चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिकली फाइन। जी हाँ, बारिश कैसी है आपके जगह पे जरूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा। बहुत सारे जगह पे बहुत सारी बारिश गिर रही है, स्पेशली हिमाचल प्रदेश में। आई रियली होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके लिए बहुत जबरदस्त खबरें लाया हूँ, ब्रेकिंग न्यूज लाया हूँ, गर्मा गर्म खबरें हैं। उसमें से एक सबसे ज्यादा गर्म है जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री को शायद चेंज कर देगी। यूरोपियन यूनियन ने अब कहा है कि स्मार्टफोन्स जो है उसके अंदर बैटरीज जो है वो रिमूवेबल होने चाहिए। याद रखिए दोस्तों, ईयू ने ये भी कहा था कि टाइप सी पोर्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए और इसलिए आईफोन को अब चेंज करना पड़ रहा है। अब ये भी 2027 तक इंप्लीमेंट होगा जहां पे आप बैटरी निकाल पाओगे एंड चेंज कर पाओगे। इसके एडवांटेजेस हैं, जी हाँ, ऑब्वियसली आप ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन फोन्स भी थोड़े बड़े हो सकते हैं, जो बैटरी की साइज है वो कम हो सकती है। सो देर आर प्लसेस एंड माइनसेस। आपको क्या लगता है इसके बारे में नीचे जरूर बताएगा। लेकिन आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो एक चीज करना मत भूलिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब। जी हाँ, रेगुलरली आपके लिए ये खबरें लाते रहते हैं। चलिए लीक्स एंड रूमर्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, OnePlus 12 के रेंडर्स लीक हो गए हैं और अब दोस्तों OnePlus 12 में पेरिस्कोप जूम कैमरा आने वाला है। स्पेक्स के बारे में बात करूं तो 6.7 इंच के QHD प्लस 120Hz एमोलेड स्क्रीन होने वाली है, 8 Gen 3 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप है, 5000 mAh की बैटरी एंड 100 या 150 वॉट चार्जिंग होने वाला है। दैट्स व्हाट OnePlus 12 इज। ऑलराइट, Samsung S24 अल्ट्रा के बारे में कुछ खबरें आ रही है दोस्तों। इसमें पहले आपको पता है कि S22 में 25 वॉट हुआ करता था, S23 में 45 वॉट चार्जिंग आ गया, अब S24 अल्ट्रा में 65 वॉट फास्ट चार्जिंग आने वाली है। जी हाँ, अब वही प्लस या दूसरे जो मॉडल्स होंगे उसको भी सपोर्ट होगा या नहीं पता नहीं है, बट अल्ट्रा में डेफिनेटली होने वाला है। और याद रखिए दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी अलग है, स्टैक्ड बैटरी टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की है और उसकी वजह से ये फास्ट चार्जिंग हमें मिलने वाला है। वैसे सैमसंग Z Flip 5 एंड Z Fold 5 की जो प्राइजेस है वो लीक हो गई है, जुलाई 26 को आपको पता है लॉन्च है। अगर प्राइस के बारे में बात करूं तो 100 यूरो से ज्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन, मतलब 10,000 रुपए से ज्यादा होगा। यूरोपियन प्राइसेस कहूं तो 1899, 2120 एंड अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1,73,000 1,73,000 के करीब प्राइस आती है। ओ माई गॉड, फॉर द फोल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। फ्लिप के बारे में बात करूं तो 1,10,000 पे गई हुई है इसकी प्राइस। OMG, फोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो बात करते हैं OnePlus Open के बारे में। जी हाँ, OnePlus का जो फोल्डेबल फोन होने वाला है ये अगस्त 29th को लॉन्च होने वाला है एंड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जी हाँ, पता नहीं है, अभी ऐसी खबरें लीक हुई हैं। ये 7.8 इंच का QHD प्लस 120Hz फोल्डेबल एमोलेड मेन जो डिस्प्ले होने वाला है वो होगा, 6.3 इंच का FHD प्लस 120Hz वो भी एमोलेड ही होने वाला है। इस 8 Gen 2, 16GB रैम, 512GB स्टोरेज, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप, 4805mAh की बैटरी एंड 67W चार्जिंग। इट विल ऑल्सो सपोर्ट 50W वायरलेस चार्जिंग। वैसे माधव शेठ जी और ऑनर के बारे में बहुत सारी रूमर्स चल रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि उसके ऊपर अब ठप्पा पड़ गया है। जी हाँ, एक ट्रेडमार्क आ गया है, ऑनर फॉर नाइट्स। ये माधव शेठ का क्लियरली नाम है, प्रोप्राइटर इज इक्वल टू माधव शेठ, तो ऑनर फॉर नाइट्स आई रियली डोंट नो क्या कर रहे हैं। बट येस, अगर माधव शेठ का ट्विटर बायो भी कहूँ तो वेन इज द नाइट कमिंग ये लिखा हुआ है, तो 2+2 करेंगे तो डेफिनेटली 4 नहीं 5 हो जाता है, पता चल जाता है। Redmi Note 13 EEC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आ गया है दोस्तों। 6.7 इंच FHD प्लस 120Hz AMOLED, प्लास्टिक बैक है, बेजल जो है बहुत ही पतले, Android 13 बेस्ड ऑन, नहीं, MIUI 14 बेस्ड ऑन Android 13 आ रहा है। यस, WTF न्यूज ऑफ द डे, ये तो कभी ना कभी होना था। वैसे हम जब MWC गए थे तो कोई एक ब्रांड था जिन्होंने लॉन्च किया था, बट अब Infinix भी लॉन्च कर रहा है ट्रांसपेरेंट बैक के साथ विथ LED लाइट्स एक स्मार्टफोन। ये GT सीरीज के ब्रांडिंग के नीचे आया हुआ है और उसका जो फोटो है वो भी लीक हुआ है। यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि नथिंग फोन से इंस्पिरेशन मिली है। लेकिन ये चीज जब ट्विटर पे आई, वो फोटो वगैरह ट्विटर पे आया दोस्तों, तो कालपे का कहना है कि आई एम गोइंग टू गेट माई लॉयर्स रेडी, तो लीगल केस वगैरह फाइल करने वाले हैं क्या Infinix, पता नहीं, आई रियली डोंट नो। वैसे वक्त होता है स्टील द डील का। जी हाँ, जबरदस्त हुडीज, टी शर्ट्स, स्वेटशर्ट्स एंड ओवरसाइज टी शर्ट्स है टेक के लिए, स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए। व्यू प्रोडक्ट्स में जरूर जाके देखिएगा, साइबरपंक एंड सिग्नल्स दो डिजाइन्स है, गो एंड चेक देम आउट। ऑलराइट, वक्त होता है रैपिड फायर का दोस्तों। फ्रांस अब UPI पेमेंट्स रुपीज में करने के लिए अग्री हो गए। इसका मतलब अगर आपको इधर से फ्रांस को पेमेंट करना है, आप UPI के थ्रू इंस्टेंटली थ्रू रूपी पेमेंट कर पाओगे। वाओ, ट्विटर ने अब एड रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है क्रिएटर्स के लिए। जी हाँ, सो ट्विटर पे भी अब क्रिएटर्स आने वाले हैं, वैसे भी है बट अब और भी आएंगे पैसा जो मिलेंगे। iOS 17 का पब्लिक
पब्लिक बीटा अब अवेलेबल है डाउनलोड के लिए, तो पब्लिक बीटा है तो आप भी आपके आईफोन्स के ऊपर इंस्टॉल कर पाओगे। वैसे चैट जीपीटी जो है दोस्तों बहुत सारे लोगों को मदद करता है। एक ओवरवेट बंदे के 11 केजीज वेट लॉस किया हुआ है, और कैसे पता है? डाइट प्लान चैट जीपीटी में बनाया था, वही उन्होंने फॉलो किया और 11 केजीज लूज किए। फैंटास्टिक। वैसे ये खबरें भी फैंटास्टिक थी ना, अच्छी लगी ना। चलिए दोस्तों, आज के हमारे ट्रैक एंड टेक न्यूज एपिसोड 1488 होती है खत्म इधर ही। 1500 के लिए सिर्फ 12 बचे हैं दोस्तों। जी हाँ, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।